मैं हूँ क्राइम मदारी। गुरुग्राम की हाई प्रोफाइल चोरी मामले में बड़ा धमाका, आईपीएस सस्पेंड। हरियाणा सरकार ने आईपीएस धीरज सेतिया को किया सस्पेंड। चोरी मामले में नाम आने के बाद हुआ एक्शन, महकमे में खलबली। अब जैसा क्राइम मदारी ने बोला था, धमाका तो जरूर होगा। जी हाँ, गुरुग्राम की हाई प्रोफाइल चोरी में धमाकों की शुरुआत हो गई है। करोड़ों की हाई प्रोफाइल चोरी में कनेक्शन उजागर होने के बाद अंडरग्राउंड चल रहे आईपीएस धीरज कुमार सेतिया को हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया है। इस धमाके के बाद अब न केवल पुलिस महकमे में बल्कि पूरी की पूरी अफसरशाही में मची है खलबली, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है। और भी कई चेहरे हो सकते हैं बेनकाब और गिर सकते हैं कई विकेट। एक बिल्डर के सेक्टर 84 स्थित फ्लैट से योजनाबद्ध तरीके से हुई करोड़ों की चोरी में गैंगस्टर विकास लगरपुरिया, दो डॉक्टर, दिल्ली पुलिस के दरोगा विकास गुलिया और गैंगस्टर के गुर्गो के बेनकाब होने के बाद आईपीएस अधिकारी धीरज कुमार आए जांच के लपेटे में। अब सेतिया साहब है आउट ऑफ रीच, जबकि एसटीएफ उन्हें दो दो बार बुलावा भेज चुकी है। ऐसे में जहां एसटीएफ ने सेतिया साहब का नाम मुजरिम के कॉलम में दर्ज कर कुछ अन्य धाराएं भी इजाद कर दी, वहीं सरकार ने मामले में संज्ञान लेते हुए आईपीएस सेतिया को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। चर्चा का विषय बनी इस हाई प्रोफाइल चोरी में अभी तक दिल्ली पुलिस के दरोगा विकास गुलिया, दिल्ली के दो फाइनेंसर, गुड़गांव के दो डॉक्टर, डॉक्टर सचिंद्र जैन नवाल और डॉक्टर जीपी सिंह और गैंगस्टर विकास लगरपुरिया के गुर्गो सहित कुल 12 आरोपी किए जा चुके हैं गिरफ्तार और हो चुकी है करीब 6 करोड़ रुपए की रिकवरी। ये बात अलग है कि अभी तक ये तय नहीं हो सका कि चोरी थी कितने की। खैर, अब एसटीएफ ने शुरू कर दी है भागदौड़ और बताते हैं कि सेतिया साहब को अब अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो साहेबान, भ्रष्ट और भ्रष्टाचार पर नकेल डालते हुए सरकार ने तो कर दिया एक आईपीएस को तुरंत प्रभाव से निलंबित, लेकिन देखना होगा कि इस हाई प्रोफाइल चोरी में और किन किन से जुड़े हैं तार। अपनी एसटीएफ भी लगातार कर रही है जांच। अब देखना होगा कि अगला नंबर किसका होगा। तो करिए इंतजार और देखते रहिए क्राइम मदारी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट न पाए।